सीतापुर में गन्ना किसानों की होली फीकी हो गई है। वह त्योहार घर पर मना भी नहीं पाएंगे। उन्हें अपनी फसल रखवाली के लिए रात और दिन धर्म कांटे पर गुजारने होंगे। वो इसलिए क्योंकि क्रय केंद्र पर पिछले 4 दिनों से गन्ने की तौल ठप है, जिससे करीब 4 दर्जन ट्रॉलियां केंद्र पर खड़ी हैं। अब पर्व पर 2 दिनों तक तौल ठप भी रहेगी, जिससे क्रय केंद्र पर 8 व 9 मार्च को सन्नाटा पसरा रहेगा। क्रय केंद्र प्रभारी से लेकर लेबर तक घरों को जाएंगे। ऐसे में किसानों को अपनी उपज बचाने के लिए केंद्र पर दिन रातें गुजारनी होंगी और वहीं उनका त्योहार भी मनेगा। हम जिस क्रय केंद्र की बात कर रहे हैं, वो केंद्र रामगढ़ चीनी मिल द्वारा संचालित है। मछरेटा के पास जेटपुरवा की क्रय केंद्र पर अपना गन्ना लेकर पहुंचे किसानों में तौल ना होने पर मायूसी और आक्रोश है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तौल ना होने पर किसान किस कदर परेशान हो रहे हैं। होल है, ये देखिए बहुत सारी ट्राली है, 30-35 ट्राली खड़ी हुई है काटा पे। ले जनता, हाँ इधर सोदा है भाई जी। भैया हमार 4 दिन तक खड़ी है, पूछो आज नंबर नए होली कैसे मनाई बा। हम गरीब आदमी, हम क्या करी, गन्ना सूखा जा रहा है, यहाँ ना ट्रक उड़ी बची है, ना कुछ है, ना ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, हम क्या करी। हम तो कहा सुबह बैठे न जाओ, 3 दिन से दौड़ दौड़ रहा है, डीजल कहाँ दिया हुआ है, क्या करी। तुम हो बताओ बेटी से आओ सी, बेटी से क्यों नहीं बोल रहे हो, बाबा के लिए बोल रहे हो तुम, मंच कोई माहौल नहीं बना। तीस टाली काटा पर ठाड़ी भोले भैया, हमारे हमारे तेरे भैया पर्ची है, पर्ची है और गन्ना नहीं तो ला जा रहा, बाद पर्ची है पंधर रखो, हुआ जाओ हुआ जाओ, क्या करिए। हम जेटपुर होली कैसे मनाएंगे, बंजन टीएम फोन उठाना, टीएम उठाओ, हमारे भैया बात योगी तक पहुंचाई जाए। और केंद्र पर गन्ना लेकर पहुंचे मछरेटा क्षेत्र के सिकंदरपुर के किसान अशोक सुंदर भोला सुधीर आदि का कहना है कि तौल 4 दिनों से नहीं हुई है। अशोक ने आइंडिया को फोन पर बताया कि ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था ठीक न होने से कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। केंद्र पर यज्ञ दंत नरेश महावली, राम प्रकाश, राजा राम आदि किसानों की ट्रॉलियां खड़ी हैं। कई किसान राजा गांव लालपुर इटावा से गन्ना लेकर पहुंचे हैं। मामले में रामगढ़ चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक उमाकांत पाठक ने आइंडिया को फोन पर बताया कि केंद्र पर 800 क्विंटल से अधिक की खरीद प्रतिदिन हो रही है। 4 दिनों से तौल बंद होने का किसानों का आरोप बेबुनियाद है। जो किसान ट्रॉली लिए खड़े हैं, उनकी पर्चियां आगामी तारीखों की हैं, तारीख आने पर ही तौल हो पाएगी। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।